तो फाइनली दोस्तों अपन चढ़ गया है मियां खलीफा पे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी आए हम फिलहाल गांव में और आपको हम पूरा गांव का दृश्य दिखाने वाले हैं, वो भी इस गांव के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ के। चलिए सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको हम दिखाते हैं अपने गांव का बुर्ज खलीफा। देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा ये इतना बड़ा बुर्ज खलीफा, तो इस पर हम चढ़ने वाले हैं आज और यहाँ से पूरा गांव का दृश्य दिख जाता है। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको पूरा गांव का दृश्य। तो इतना बड़ा जो चढ़ दिख रहा है पीछे आपको, तो वो भी दिखाएंगे, पूरा अंदर तक दिखता रहता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप। और हम फटाफट चढ़ने वाले हैं इस पर आज, देखते हैं। इससे पहले भी एक बार चढ़े हुए थे हम। हेलो दोस्तों, हम चढ़ चुके हैं मियां खलीफा पे, सॉरी बुर्ज खलीफा पे। और देखिए यहाँ से दृश्य कैसे देखने को मिलता है। अरे भाई साहब गजब, देखिए कितना दूर तक दिखता है। वो छोटा छोटा देखिए वहाँ पे जंगल दिख रहा है और इसके आगे नेपाल है और उसके नेपाल के पहाड़ यहाँ से दिखता था, पूरा पहाड़ दिखता था। आपको बताऊँ तो यहाँ पे 10 साल पहले की बात है, तो यहाँ से हम सब वैसे ही देखते थे पहाड़, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर है करीब, तो क्यों नहीं दिखेगा, आराम से ही दिखेगा। और यहाँ पे अब क्या है कि पॉल्यूशन होने के वजह से नहीं दिखता है, बिल्कुल ही नहीं दिखता है। और अभी भी दिखता है कब, जब बारिश होती है तो पूरा धूल का नीचे बैठ जाता है तो दिखती है यहाँ से पहाड़ पूरा क्लियरली दिखती है। क्या कहे, ये नीतीश कुमार के योजना में सबसे ज़्यादा फेलियर योजना है। जितना भी योजना आज तक देखे हैं, लगता है 100 जगह हो तो यहाँ पे सिर्फ 10 जगह सक्सेस हुआ है, बाकी सब जगह फेल ही हुआ है। तो ये भी है एक फेलियर योजना, जलनर योजना। कौन कम वक्त है भाई साहब, गाना बजा रहा है, पता नहीं यूट्यूब को इसका कितना दिक्कत होता है इससे। अरे उसके कारण से हमारी वाट लग जाती है गाना बजने से, और गाना बजा रहा है पूरा शोर से एकदम सा। और देखिए यहाँ से हमारे गांव का दृश्य देखिए, अरे देखिए कितना ख़तरनाक लगता है। आपको दिखाओ क्या यहाँ पे, देखिए मेरा भराता श्री नीचे जा रहा है यहाँ पे। ओ भाई साहब देखिए, देखिए छोटा सा ही आप मोहल्ला बोलते होंगे, यही है गांव का एक टोल है। यहाँ पे करीब हमारे गांव में 24 घर है, तो एक छोटा सा ही है और अच्छा भी है, शोरगुल बहुत कम होता है। और ये क्या कहें, इसके वजह से हो रहा है, बैक कैमरा में तो देखने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए ये हमारा गांव है, छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव। देखिए और मेरा घर नहीं दिख रहा है, मेरा घर ये सामने बम्बू का पीछे है, इसलिए मेरा घर नहीं दिख रहा है भाई साहब, ये बाँस है जिसके कारण से नहीं दिख रहा है। और ये हुआ रास्ता, आने का रास्ता इधर से, और देखिए यहाँ से हरियाली आ तेरी का, एक बंदा और चल रहा है कमाल देखिए यहाँ से, देखिए हम छोटा छोटा जंगल जो दिख रहा है इसके आगे ही पहाड़ है, और यहाँ से देखिए हरियाली ही हरियाली, पूरा हरियाली। चारों कतल घूम सकते हैं हम ऐसे ऐसे करके, बिंदास परिक्रमा लगा सकते हैं इसका। तो यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल तो अभी हम फोटो शूट कर रहे हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।